महिला की गोली मारकर हत्या। परिजनों का दामाद पर हत्या करवाने का शक, पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच की शुरू। रोहतक जिले के खरावड़ बाईपास पर शनिवार देर शाम सापला की रहने वाली एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला के साथ स्कूटी पर बैठी एक अन्य महिला भी स्कूटी फिसलने से घायल हो गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सापला की रहने वाली 48 वर्षीय सुनीता अपनी एक सहेली के साथ देर शाम रोहतक से सापला की ओर स्कूटी पर जा रही थी। उसकी सहेली मीना भी उसके साथ थी। इसी दौरान एक बाइक सवार पीछे से आया और खरावड़ बाईपास पर महिला के सिर में गोली मार दी। घटना के बाद स्कूटी भी फिसल गई और साथ आ रही मीना को भी चोट लगी। गंभीर हालत में रोहतक PGI दोनों को ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सुनीता को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना के बाद IMT थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को भी मौके पर बुलाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक PGI भेज दिया। मृतक सुनीता की भतीजी तमन्ना का कहना है कि उन्हें तो सूचना एक्सीडेंट की मिली थी, लेकिन जब रोहतक PGI आकर देखा तो सुनीता की डेड बॉडी यानी कि लाश के बारे में उन्हें पता चला, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को दी है। एक्सीडेंट की रोहतक आए हुए थे शॉपिंग करने, हमें तो हॉस्पिटल आने के बाद पता चला। नहीं शक है अभी तो। इनके दामाद पे भी है, दो बंदे और भी हैं जिनके खिलाफ ये खड़ी हुई है, हो सकता है कोई भी है। रंजिश ही है सर, अगर दामाद नहीं हुआ तो बाकी तो रंजिश ही है, दामाद हुआ तो फैमिली मैटर आ गया। लंबा ही चल रहा है, किसी ना किसी चीज़ को लेके होता ही रहता है उनसे। वही जांच कर रहे SHO कुलदीप सिंह का कहना है कि परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सूचना मिली थी कि यहाँ एक लेडी को ना गोली लगी है, वो PGI में एडमिट है, जो एक्सपायर हो गई है, तो उसमें उसके बयान के आधार पर पोस्टमार्टम के लिए। कान तो भी है, कुछ नहीं है कान का, तो अभी इन्होंने थोड़ा अपने लड़की के दामाद के आरोप सब किया है, वही उसने करवाया, वही बाकी जांच का विषय है। पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम कराना चाहिए।